आज हम आपको बताएंगे कि आपके DVR में बीप साउंड आ रहा है तो आप उसको कैसे ठीक करें। तो हम जैसे हमारे पास है 4 चैनल का DVR हैगा CP प्लस का, तो देख सकते हैं। ये देखिए, पहले जाएगा मेन मेन्यू में, मेन मेन्यू में जाने के बाद आप जाएंगे स्टोरेज में, उसके बाद जाएंगे बेसिक में। तो यहाँ पर देखिए हार्ड डिस्क मैनेजर आएगा, ये रहा, जैसे कि तो दिख रहा होगा, ये इस पर क्लिक करेंगे। तो आपके पास कुछ ऑप्शन खुलकर आएंगे, ये देखिए, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क, फिर हमारे पास 500 GB का हार्ड डिस्क लगा रखी है हमने, ये देखिए। अब स्टेटस का नॉर्मल है क्योंकि हार्ड डिस्क ठीक है। इसको फॉर्मेट कैसे करें हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, नीचे देख सकते हैं आप, ये आपको नीचे फॉर्मेट का ऑप्शन हो रहा होगा। पहले आप यहाँ पर हार्ड डिस्क को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर हार्ड डिस्क सिलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पर करेंगे आप फॉर्मेट। यहाँ पासवर्ड मांगेगा आपसे, तो हमें जो पासवर्ड रखा था पासवर्ड यहाँ फिल करेंगे। तो फिर कर देंगे हम इसे ओके। ये देख सकते हैं ये लोडिंग ले रहा है, फिर प्रोसेसिंग में लग गया हार्ड डिस्क फॉर्मेट होना स्टार्ट। ये देख लीजिए, ये हमारा हार्ड डिस्क हो गया, फॉर्मेट पूरा कंप्लीट हो गया, हम करेंगे इसको ओके। बंद हो गया, अब ये दोबारा ऑटोमेटिक ऑन होगा, फिर आपका बीप साउंड की जो प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो चुकी होगी। थोड़ा टाइम ले रहा है, ये देख लेंगे। जैसा कि हमारा DVR ऑन हो चुका है, अब हम जाके हार्ड डिस्क में देखेंगे कि स्टेटस क्या है। मेन मेन्यू में गए, हमारा पैटर्न जो हमारा DVR पैटर्न पासवर्ड जो भी सेट किया होगा वो हम यहाँ पे डालेंगे। स्टोरेज में गए और डिस्क मैनेजमेंट, ये स्टेटस देख लीजिए आपने, स्टेटस यहाँ पे नॉर्मल है, मतलब आपके हार्ड डिस्क ठीक है। अगर फिर भी आपके बीप साउंड ठीक ना हो तो उस केस में आपकी हार्ड डिस्क जो है वो चेंज होगी, ठीक है जी।